Hey, what is up everybody? I hope you are doing absolutely well in your day-to-day life. So भाई आज की वीडियो में हम basically बहुत ही बड़े लेवल का एक रॉकेट साइंस पढ़ने वाले, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है. So वीडियो को लास्ट तक देखना. भाई इतना कुछ बड़ा वाला रॉकेट साइंस नहीं पढ़ने वाले हम. बेसिकली हमारे बाइक के जो ब्रेक्स थे, रियर व्हील में जो ब्रेक लाइनर होते हैं, वो सभी ख़त्म हो चुके हैं. तो वो एकदम लिटरली कुछ भी ब्रेक नहीं लग रहा है अभी. वो जो ज़्यादा रिस्क की काम हो गया अभी, कभी पॉसिबल भी हो, एक्सीडेंट भी हो सकता है. इसलिए हमने लाए नए ब्रेक लाइनर्स. और तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कैसे चेंज करेंगे. बेसिकली अब मैं गया था शोरूम में वो पार्ट लाने के लिए, और ब्रेक लाइनर लेके आया मैं. 150 रुपीज़ के वो ब्रेक पैड थे, वहीं पर चेंज कर सकता था, लेकिन मेरे को इसका वीडियो बनाना था, इसलिए मैं घर पे लेकर आया. और बेसिकली मैंने अभी बहुत ही 1.5 लाख रुपये डालकर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, बीटेक का. सो दैट्स वाई इट इज़ माई प्रायोरिटी टू सेव मनी फॉर इन माई डे टू डे लाइफ ऑन द मैकेनिकल थिंग्स. सो अभी मैं पैसे बचाने के लिए मैं अभी वो सब फिटिंग घर पे करने वाला हूँ, और वो सब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे कैसे करता हूँ. और वो आपको भी पता चल जाएगा एक बार कि अगर आपके बाइक के अगर ब्रेक पैड ख़त्म हो जाते हैं और ब्रेक लाइनर ख़त्म हो जाते हैं, तो आप वो कैसे चेंज कर सकते हैं. सो वीडियो लास्ट तक देखना. अभी हम पहले तो हम निकालेंगे सभी इंपॉर्टेंट स्पैनर्स, सभी इंपॉर्टेंट टूल्स. उसके बाद हम गाड़ी का रियर टायर खोलेंगे, और उसके बाद हम बदलेंगे ब्रेक लाइनर्स. और ब्रेक लाइनर्स बदलने के बाद हम उसको फिर से असेंबल करेंगे, और देखेंगे कि हमने जो काम किया है उसका आउटपुट क्या निकलता है. ओके, तो ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना. और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल एंड शेयर द माय वीडियो टू यूर फ्रेंड्स. चलिए हम पहले तो शुरू करते हैं कि हम टूल्स क्या क्या लगने वाले हैं, कौन कौन से स्पैनर, कौन कौन से प्लायर लगने वाले हैं. ओके, वो देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे. ओके, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो अभी हमने सभी टूल्स को एक साथ निकाल लिया है. अभी उसमें हमको लगेगी कुछ प्लायर्स, एक प्लायर, एक स्क्रूड्राइवर, कुछ स्पैनर्स, रो टाइप स्पैनर, इयरिंग स्पैनर है, और ये ओपन एंडेड स्पैनर है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ असेंबली में हम क्या क्या करने वाले. पहले हम एक्सल के नट खोलेंगे, उसके बाद एक्सल को बाहर निकालेंगे, उसके बाद ये जो ब्रेक असेंबली है जिधर लाइनर की अटैचमेंट है उसको निकालेंगे, उसके बाद हम व्हील को निकालेंगे, उसके बाद हम देन हम ब्रेक लाइनर्स को निकालेंगे. नए जो ब्रेक लाइनर लाए उसको हम उधर डाल देंगे, और फिर से उस असेंबली को वापस से वैसे ही बिठा देंगे. सो अभी वो सब हम करने वाले. अभी हमने ब्रेक लाइनर खरीदे फ्रॉम बजाज शोरूम, जो कि बजाज का ऑथराइज शोरूम था, जिसके थ्रू हमने जेन्युइन पार्ट्स हमने खरीदे. 150 रुपीज़ के जो ब्रेक लाइनर थे, जो कि रियर व्हील के हैं. तो फाइनली हमने सभी असेंबली को रिमूव कर दिया है. अभी आप देख सकते हैं टायर, इसका ब्रेक ड्रम, और ये जो है वो ब्रेक लाइनर असेंबली. अभी इसमें जो है वो ब्रेक लाइनर है, तो जो कि स्प्रिंग सेट है, ये कैम है, और ये जो जस्ट एक फल्क्रम है जो कि इसको सेपरेट करते हैं, इन दोनों एक सेपरेट करते हैं. ये कैम है जो लाइनर को इनलार्ज और कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि लाइनर एक्सपांड होकर इस ब्रेक ड्रम से फ्रिक्शन करते इंटरनली, जिसके थ्रू गाड़ी जो है वो ब्रेकिंग एक्शन जो है वो क्रिएट होती है. अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा असेंबली को निकाल के अभी हम इस ब्रेक लाइनर को चेंज करेंगे. So guys, this is a brake liner. This is a two brake liners which is attached by the spring. This is a spring, and this is a cam which are used to enlarge the brake liners. And this is attached to the mechanical linkages. The mechanical linkages are connected to our front foot pedal. So that's why the mechanical motion try to rotate this cam, and the cam is attached to the
can be attached to the liners which get expanded and friction get occurred at inside the drum, and then the braking action is created. First of all, we just clean this assembly, and then we change the brake liners, and again assemble all the parts. फाइनली सभी फिटिंग करने के बाद आई होप यू आर लाइक माई वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो कि वीडियो आपको कैसा लगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. भाई अभी कम है, लेकिन जिस दिन बढ़ेंगे ना सब्सक्राइबर में किसी को नहीं बोलेगा, लेकिन आज मेरे सब्सक्राइबर कम है. अभी 1 मिलियन होने के लिए सिर्फ 9 सब्सक्राइबर बाकी यार. और नौ लकी सब्सक्राइबर की यार, और 9 लकी सब्सक्राइबर को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार करने के लिए आप मेरे का बोलते हो उसको बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट रोल निभाया. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो एंड लेट्स शेयर माय वीडियो. सो चलो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.